Om Namo Deva Vasudeva Om Namo Deva Namo Namo। जो आगे आने वाले बच्चों को ये पता नहीं लगेगा कि हार किसकी थी, ये गीत किस टाइम गाया जाता था। आदि से मनमौजी तक का सफर क्या है, आपके नाम के आगे मनमौजी कैसे लग गया। नमस्कार दगड़ियों, उत्तराखंड की नौनी है आज सुरेश मनमौजी जी के साथ, जो कि पेशे से शिक्षक हैं। आज के प्राथमिक विद्यालय मौठी में वे शिक्षक हैं और साथ में जौनसारी संस्कृति को बचाने के लिए विशेष कार्य कर रहे हैं। जन जन में संस्कृति के संरक्षण के लिए अलख जगा रहे हैं। मनमौजी जी, उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो जो आपने उत्तराखंड की नौनी जो नाम रखा है, उत्तराखंड की नौनी बहुत अच्छा नाम रखा है, और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप जो है हमारे घर तक पहुँचे मुझे खोजने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृति के प्रति कितना लगाव और प्यार है आप देख सकते हैं। उनकी वाइफ यहाँ पे बैठी है। क्या शुभ नाम है मैम आपका? मेरा नाम शीना जौनसारी है मैम। हाँ देखिए, शीना जौनसारी जी बिल्कुल जौनसारी ड्रेस में यहाँ पे बैठी है। सुरेश जौनसारी जी, आप पहले तो ये बताइए कि आपका जौनसारी से मनमौजी तक का सफर क्या है, आपके नाम के आगे मनमौजी कैसे लग गया। मैं जैसे ही गांव के स्कूल में पढ़ने के बाद जब इंटर कॉलेज में गया तो मैं एकांत में बैठ गया पीछे, तो सर ने मुझे जो है आगे से बोला कि अरे मनमौजी, फिर सब बच्चों ने मनमौजी करके कहा, तो अब मैंने अपना नाम ही के पीछे जो है मनमौजी लगाना शुरू किया है और वहीं से मैं मनमौजी हो गया। क्या बात है। चक्राता के जिस स्कूल में आप पढ़ाते हैं वहाँ, मतलब उस वहाँ शिक्षण कार्य करते करते संस्कृति संरक्षण के लिए आप कितना समय दे पाते हैं, कैसे निकालते हैं आप ये टाइम? थोड़ा ये है कि अब हमारे जो स्कूल होते हैं वहाँ पर स्टाफ उतना ज्यादा नहीं हो पाता है, स्कूल का कार्य भी ज्यादा होता है, लेकिन जो भी समय हमारे पास मिल पाता है जैसे स्कूल के बाद और स्कूल जाने से पहले, वहाँ पर जो संस्कृति है उसमें आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र का भी आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि हमारी संस्कृति हर कदम पर संस्कृति देखने को मिल जाती है और उसी से हमने जो है सीखा है, और वही पौराणिक संस्कृति जो हमने सीखी है उसी को हम प्रचार प्रसार करने का जो काम कर रहे हैं, जो भी हमारे पास समय मिल पाता है उसका हम संस्कृति के लिए जो है उपयोग करते हैं। आपने संस्कृति विभाग के सहयोग से एक पुस्तक भी निकाली है, साहित्य में आपकी विशेष रुचि है, क्या कुछ है वो और क्या मकसद था आपका उसको निकालने का? इस पुस्तक के माध्यम से एक तो ये पुस्तक 2-in-1 है जिसको अपना रिवाज, अपना रिवाज एक काव्य संग्रह है। संस्कृति विभाग का अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट आता है तो मेरे पास कुछ पहले से मेरा एक प्लानिंग बनी हुई थी कि मैं एक किताब टाइप की बनाऊंगा कि हमारे यहाँ के लोकगीत क्या होते हैं, कौन से देवीय गीत होते हैं और कौन सी हारुल होती है, जो भी मतलब हमारे यहाँ के लोकगीत हारुल जो भी होती थी, इन सबको मैंने जो है अपना रिवाज करके जो है एक अपने पास बनाया हुआ था। जैसे ही संस्कृति विभाग का एड अखबार में आता है वो अखबार मुझे किसी प्रकार से मिल जाता है, अखबार मिला तो मैंने वो अपनी जो भी मेरा जो लिखा हुआ था वो सारा मैंने संस्कृति विभाग में भेजा, वो वहाँ से पास हुआ और फिर उन्होंने मुझे छपाने के लिए जो है आर्थिक सहायता दी है और मैंने ये अपना रिवाज छापा। ये दोनों प्रकार का है, काव्य संग्रह है, जौनसारी भाषा में भी है और हिंदी में भी है। कौन कौन से लोकगीत आपने गाए हुए हैं या आप गाते हैं? मैं हर प्रकार का जो भी हमारे यहाँ गीत होता है, हारुल की बात करें, चाहे कोई तांदी की बात करें, चाहे चौभुती की बात करें, जितने प्रकार के भी हमारे यहाँ नृत्य होते हैं और जितने प्रकार के भी तांदी गीत होते हैं मैं इनको सबको संरक्षण करने का कार्य कर रहा हूँ। मैंने एक छोटा सा चैनल भी बनाया है, सेम ऑफिशियल ग्रुप यूट्यूब में, मैं गाने का भी प्रयास कर रहा हूँ और उसमें अपलोड करने का भी जो है अपलोड करते रहता हूँ। तो फिर सुना दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को भी कुछ। तो सबसे पहले तो मैं दो शब्द, क्योंकि हमारे जो जौनसार बावर के कुल आदि देव मासु महाराज है, मासु का नाम लेने के बाद फिर हमारे यहाँ के जो प्रसिद्ध गीत होता हारू, उसके बाद में हारू, ये दो चीजें मैं आपको सुनाऊंगा। मासु वंदना। ओम नमो देवा मासुदेवा, ओम नमो देवा नमो नमा, ओम नमो देवा मासुदेवा, ओम नमो देवा नमो नमा। तारा रारा तारा रारा रारा, अनपढ़ चाइना इलाका हमारा। तारा रारा तारा रारा रारा,
अनपढ़ चाइना इलाका हमारा। तो मासूम आरा से बंधना है कि हमारा जो क्षेत्र है वो अनपढ़ नहीं रहना चाहिए, जब सब शिक्षित होंगे तो अपने अधिकारों की लड़ाई जो भी है वो सब लड़ सकेंगे जी। अब हम आते हैं हारून पे। तो हारून जो होता है वो वैसे जो भी कोई हमारे यहाँ का वीर होता है जो अच्छे कार्य करता है उसके ऊपर उसका एक इतिहास होता है हारून पे। वो तो एक हारून में आपको सुना रहा हूं। फूलों लापा जा रे फूलू रे फूलारिया, फूलों लापा जा रे फूलू रे फूलारिया, फूलों लापा जा रे सोसो रे गोरंदा, क्या बजेनु बाजा रे सोसो रे गोरंदा। अर्थात इसका मतलब यह है कि जब हमारे यहाँ कोई शुभ कार्य होता है तो बाजा गाजा वहां पर बजता है। अच्छा। तो ये इस गाने में ये संकेत है कि आज कुछ बाजा बज रहा है, तो जिस घर में बाजा बज रहा है वहां का क्या शुभ संकेत है, उनके यहाँ कन्या का जन्म हो रखा होता है, क्या शुभ कार्य हुआ है। तो ये मैसेज इस हारून में है। अच्छा 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 जी, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे भी कुछ कार्य किया है, क्या कुछ रहा है वो? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पर भी जो कार्य किया है, हमारे स्कूल के पास ही लगा हुआ एक हाई स्कूल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मानथार पड़ता है जी। उसके माध्यम से वहाँ का जो प्रिंसिपल, वहाँ के जो प्रधानाचार्य जी थे उनके अंडर में हमके मिल करके जौनसारी जो हमारी भाषा है उसकी वेशभूषा में और मेरे द्वारा लिखा हुआ गीत उसी स्पोर्ट में हमने उसको रिकॉर्ड करके एक वीडियो बनाई है। उसमें बेटियों की जो है पीड़ा को उस गीत में दर्शाया गया है कि वो भी मासू से ही वंदना कर रही है कि हमें मतलब जो है ज्ञान की ज्योति दो, हम अंगूठा नहीं लगाना चाहती, हम पढ़ना लिखना चाहती, हम ससुराल नहीं जाना चाहती, हम पढ़ना लिखना चाहती हैं। तो इस टाइप से वो हमने एक संदेश दिया था और वो गाना भी जो वो जो है संदेश तारा रारा तारा रारा रे रे अनपढ़ चाइना बेटिया हमारी, तारा रारा तारा रारा रे रे अनपढ़ चाइना बेटिया हमारी, ओम नमो देवा वासुदेवा, ओम नमो देवा नमो नमः, ओम नमो देवा वासुदेवा, ओम नमो देवा नमो नमः। बाली मेरी उमरा खोरी जानिया जियोरी, बाले पर था बाबा छोड़ी दिया, बदला बाबा मेरे को दी देना ज्ञान की ज्योति जो लाई दिया, साइन करो अंगूठा हाँ लांदीना ये भी शाउरे बाबा जान दीना, साइन करो अंगूठा हाँ लांदीना ये भी शाउरे बाबा जान दीना। इस टाइप से ये एक संदेश था बालिकाओं का कि हम पढ़ना चाहती है, हम कुछ करना चाहती है, हम साइन करना चाहते हैं, अंगूठा अंगूठा नहीं लगाना चाहते। जी 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 बिल्कुल सही। आपने आकाशवाणी के लिए भी कुछ प्रोग्राम दिए हैं, क्या कुछ प्रोग्राम है आपके वहाँ? आकाशवाणी में मैं बी ग्रेड कलाकार के रूप में पंजीकृत हूँ। मैं नजीराबाद से लेकर के सबसे पहले आकाशवाणी में एक युववाणी कार्यक्रम में मैं प्रतिभा किया 2005 में। वो दो कविताएं मेरी वहां पर उस समय प्रसारित हुई। उसके बाद मैंने स्वर परीक्षा दी, मैं बी ग्रेड से बी हाई ग्रेड पे हूँ। मैंने दूरदर्शन आकाशवाणी के लिए कई गाने गाए हैं और उसका प्रसारण भी वहाँ से हुआ है। अच्छा, आपकी अर्धांगिनी आज यहाँ पे हैं। आप मैम, जैसा कि हमने आपकी ड्राइंग की काफी कुछ यहाँ पे तारीफ सुन ली, क्या कुछ बनाती हैं आप और कहाँ कहाँ अभी आप किस किस को किस प्लेटफॉर्म पे सिखा चुकी है, क्या कुछ करते हैं प्लीज? मैम हम जैसे सिंधरी हो गई कोई है, किसी की मूर्तियां बनाते हैं जी, जी। बच्चों को भी सिखाते हैं, जैसे घर में कोई आते हैं जी 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 छोटे बच्चों को सिखाते हैं। मुझे ड्राइंग बनानी बहुत अच्छी लगती है, बनाते रहती हूँ घर में भी, करते रहती हूँ कुछ कलाकारी करना है या कुछ बोतलों से बनाना कोई प्रतियोगिता जैसे अमर उजाला और घर में बनाती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को भी सिखाते रहती हूँ। क्या बात है, इस घर में दो कलाकार हैं, दोनों प्रतिभाएं हैं यहाँ पे, और बाकी आपके हस्बैंड ये जो काम इतना अच्छा संस्कृति को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, तो वहाँ किस रूप में आप सहयोग करती हैं?
मैं गाना गुना बनाते रहते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मैं भी सहयोग करते रहती हूँ। हाँ, साथ में थोड़ा हौसला बढ़ाते रहते हैं। और आपने जो ड्रेस पहनी हुई है इस वेशभूषा में, नृत्य भी करती होंगे साथ में? हाँ जी, नृत्य भी लगाते हैं गाना। अपनी ड्रेस अच्छी लगती है पहने में, गाँव में भी जाती हूँ, गाती रहती हूँ। क्या बोलते हैं इसको? घाघरा बोलते हैं, और चौगा है डांटो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उत्तराखंड की नॉनी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज आप क्या और मैसेज देना चाहिए दर्शकों को हमारे? मैं दर्शकों को भी, और क्योंकि मैं कलाकार हूँ और एक टीचर भी हूँ, तो एक तो ये है कि जैसे पढ़ाई लिखाई जो भी है हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, और अपने संस्कृति से हटना नहीं चाहिए, संस्कृति से भी जुड़ा हुआ रहना चाहिए। नया कलाकारों के लिए भी मैं एक संदेश यही देना चाहता हूँ कि कोशिश करें अधिक से अधिक जो हमारी संस्कृति से जुड़े शब्द हैं, हमारी संस्कृति की से जुड़ी हुई जो भी जिस प्रकार से जो भी जो गीत है, नया पैटर्न का दौर तो चल ही आ रहा है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम जो है उसका मतलब शब्दों को त्रोड़ मरोड़ के जो है कम से कम उसका वो किया जाए, सही हाँ रूप में सामने रखा जाए, तोड़ा मरोड़ा ना जाए। अगर हमारी संस्कृति जो है बहुत अच्छी संस्कृति है, इसको हम जितना इसी उसमें जो है आगे बढ़ाएंगे तो उसका हमको उतना ही फायदा होगा। क्योंकि कुछ कुछ जैसे जौनसार की बात कर रहा हूँ मैं, तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो गई है जो आगे आने वाले बच्चों को ये पता नहीं लगेगा कि हारमोनियम किसकी थी, ये गीत किस टाइम गाया जाता था, क्योंकि अब डीजे पैटर्न ज़्यादा हो गया, अब गीतों के बोल पर भी ज़्यादा नहीं जाते हैं, अब थाप की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं कि चल भाई डुब 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 बज रहा है, तो उसी पर हम लोग जाने लग गए हैं। कोशिश ये होनी चाहिए, हालांकि इसे प्रचार प्रसार हुआ है, लोग भी अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन संदेश यही है कि अच्छा काम करें संस्कृति को बचाने के लिए, और सही चीज को अगर हम आगे लाएंगे तो उसी में हमारा जो है उसी में भलाई है। बिल्कुल, उनका मैसेज है कि संस्कृति का संरक्षण हो और उसी स्वरूप में हो, उसे बहुत ज्यादा तोड़ा मरोड़ा ना जाए, संस्कृति है। तो मनमौजी जी और सीना जी उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके ही चैनल के माध्यम से हम लोगों को भी यही संदेश देंगे कि आपके चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और जौनसार बावर की संस्कृति से संबंधित जो भी कोई आप लोग आपकी क्वेरी हो आपके माध्यम से भी, और एसएम ऑफिशियल ग्रुप मेरा खुद का यूट्यूब चैनल भी है, उसके माध्यम से भी आप जिस स्थान पर भी जिस जगह पर भी फोन के माध्यम से किसी की कोई सहायता या कोई जो भी कोई चाहता है कि जौनसारी संस्कृति के बारे में जानना, जो मेरे से हो पाएगा मैं हर समय उसके लिए तैयार हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना अमूल्य समय दिया, और आप मनमोजी को ढूंढते ढूंढते जो है आप मेरे घर तक पहुंचे, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जी बिल्कुल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें उत्तराखंड की नौनी को भी, मनमोजी जी के चैनल को भी। तो आप दोनों का पुनः उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।